नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेटेड में। आज मैं लेकर आपके सामने ट्रिनिटी प्रेस की पेशकश 6th एडिशन है, ऑपरेशंस रिसर्च थ्योरी एंड एप्लीकेशंस। जी हाँ दोस्तों, जेके शर्मा द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है। आज हम इस बुक का रिव्यू करने वाले हैं। काफी मोटी बुक है। बात करें इसके प्राइस टैग की तो ₹749 इसका MRP है। और बात करें इसमें नंबर ऑफ पेजेस की तो इसमें आपको 943 नंबर ऑफ पेजेस में आपको देखने को मिलते हैं। देखते हैं खास क्या खास है इस बुक में और कितनी कारगर साबित होती है ये बुक, आज इसका रिव्यू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी पेज क्वालिटी की, तो काफी अच्छी पेज क्वालिटी इसमें आपको देखने को मिलती है। अब बात करें एडिशन की, 2023 लेटेस्ट एडिशन आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसके अंदर के कंटेंट्स की, कंटेंट्स में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। जैसे आप देख सकते हैं काफी ज्यादा कंटेंट्स में आपको देखने को मिलता है। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर यहां पर आपको 29 चैप्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। चैप्टर्स के नाम आपको बता देता हूं, अगर आप इनके अंदर का कंटेंट और टॉपिक का नाम भी जानना चाहते हैं तो प्लीज आप अपनी वीडियो को 4K क्वालिटी में कर दीजिए, फिर आप जूम इन करके आप इजीली देख सकते हैं क्या कंटेंट इसके अंदर है। इनको मैं नहीं पढ़ने वाला क्योंकि इससे वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी, जिसको पढ़ना आप ही के लिए थोड़ा सा बोरिंग फील करेंगे आप, तो इसलिए केवल मैं चैप्टर के नाम यहां पर पढ़ूंगा। तो सबसे पहले जो कंटेंट में शुरू होता है चैप्टर 1, ऑपरेशंस रिसर्च एंड इंट्रोडक्शन। चैप्टर 2 यहां पर है, लीनियर प्रोग्रामिंग एप्लीकेशंस एंड मॉडल फॉर्मुलेशन। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 है यहां पर, लीनियर प्रोग्रामिंग द ग्राफिकल मेथड। चैप्टर 4, लीनियर प्रोग्रामिंग द सिंप्लेक्स मेथड। चैप्टर 5, ड्यूअलिटी इन लीनियर प्रोग्रामिंग। चैप्टर 6, सेंसिटिविटी एनालिसिस इन लीनियर प्रोग्रामिंग। चैप्टर 7, इंटीजर लीनियर प्रोग्रामिंग। चैप्टर 8, गोल प्रोग्रामिंग। चैप्टर 9, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। चैप्टर 10, असाइनमेंट प्रॉब्लम। चैप्टर 11, डिसीजन थ्योरी एंड डिसीजन ट्रीज। चैप्टर 12, थ्योरी ऑफ गेम्स। चैप्टर 13, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, PERT एंड CPM। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये, आपके जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, गेट का जो एग्जाम होता है उसमें सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलते हैं। चैप्टर नंबर 14, डिटर्मिनिस्टिक इन्वेंट्री कंट्रोल मॉडल्स। चैप्टर 15, प्रोबेबिलिटिक इन्वेंट्री कंट्रोल मॉडल। चैप्टर 16, क्वेन थ्योरी। चैप्टर 17, रिप्लेसमेंट एंड मेंटेनेंस मॉडल्स। चैप्टर 18, मार्को चेन्स। चैप्टर 19, सिमुलेशन। चैप्टर 20, सिक्वेंसिंग प्रॉब्लम्स। चैप्टर 21, इंफॉर्मेशन थ्योरी। चैप्टर 22, डायनेमिक प्रोग्रामिंग। चैप्टर 23, क्लासिकल ऑप्टिमाइजेशन मेथड। चैप्टर 24, नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड्स। चैप्टर 25, थ्योरी ऑफ सिंप्लेक्स मेथड। चैप्टर 26, रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड। चैप्टर 27, ड्यूअल सिंप्लेक्स मेथड। चैप्टर 28, बाउंडेड वेरिएबल्स LP प्रॉब्लम। चैप्टर 29, पैरामेट्रिक लीनियर प्रोग्रामिंग। इसमें फिर लास्ट में आपको अपेंडिक्स देखने को मिलते हैं। अपेंडिक्स ए में आपको प्री स्टडी फॉर ऑपरेशंस रिसर्च और अपेंडिक्स बी में आपको सिलेक्टेड टेबल्स देखने को मिलती है। लास्ट में आपको सिलेक्टेड रेफरेंसेस और इंडेक्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये तो है कंटेंट जो आपको इस बुक में देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर के चैप्टर के पैटर्न की, किस प्रकार का चैप्टर का पैटर्न आपको यहां पर देखने को मिलता है। सबसे पहले यहां पर चैप्टर का नाम आएगा, उसके बाद यहां पर एक छोटा सा स्टेटमेंट जो किसी महान हस्ती के द्वारा दिया गया है, जैसे बिल गेट्स ने यह स्टेटमेंट दिया था, तो वो यहां पर दिया गया है। चैप्टर का एक प्रीव्यू दिया गया है। इसके बाद लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो आपको यहां पर देखने को मिलता है। इसके बाद आपको चैप्टर आउटलाइन, मतलब चैप्टर के अंदर कौन कौन सी हेडिंग्स आप पढ़ने वाले हैं, क्या क्या कंटेंट आपको इसमें देखने को मिलने वाला है। यहां से शुरू होता है आपका पहली हेडिंग, फिर इसकी थ्योरी, दूसरी हेडिंग की थ्योरी, डायग्राम का भी प्रयोग किया गया है। अगर मैं इसकी लैंग्वेज की बात करूं तो लैंग्वेज आपको मॉडरेट टू डिफिकल्ट दिखने वाली है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इजी टू अंडर, अगर आप हिंदी मीडियम से रिलेट करते हैं और इंग्लिश मीडियम की किताब पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको मॉडरेट टू डिफिकल्ट लगने वाली है, लेकिन अगर आप इंग्लिश बैकग्राउंड से ही बिलोंग करते हैं तो आपको इजी टू मॉडरेट लगने वाली है, यानी इजी भी लगेगी और मॉडरेट भी लगेगी, डिफिकल्ट तक नहीं पहुंचेगी आप, ठीक है ना। यहां पर फिर से हेडिंग, ये हेडिंग है जो डेफिनेशन है उनको जो इटैलिक यानी तिरछी लाइन से, तिरछे वर्ड से यहां पर लिखा गया है, दिखाया गया है। और यहां पर जैसे लगभग टॉपिक्स खत्म होते हैं तो बीच बीच में आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं,
और साथ के साथ ये भी बताया गया है कि ये जो क्वेश्चंस है ये कौन सी यूनिवर्सिटी में किस एग्जाम में और किस सन में पूछे गए हैं। उसके बाद आगे चलेंगे और नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर शुरू होता है। ये आपका डायग्राम फ्लो चार्ट वगैरह यहाँ पर दिया गया है। पेज क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, साइड भी बुक का काफ़ी बड़ा है। आगे चलें तो इसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशंस दी गई है, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें बताई गई है, ऐसा नहीं है ज़्यादा डिटेल में चीज़ें पहुँचा दी गई है, पॉइंट टू पॉइंट बातें बताई गई है। इसके बाद कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं यहाँ पर, फिर से वही चीज़ जिसमें स्ट्रीम पूछे गए, जिस एग्जाम में पूछे गए, जिस सन में पूछे गए, वो भी यहाँ पर दिया गया है। पूरे चैप्टर की समरी कुछ लाइनों में यहाँ पर बटोर दी गई है, पूरे चैप्टर का फास्ट मोड रिवीजन यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट क्यूज दी गई है जिसमें पहले ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, बाद में इनके आंसर आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद केस स्टडी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कुछ केस स्टडी यहाँ पर दी गई है, पजल्स इन ऑपरेशन रिसर्च यहाँ पर दी गई है, और एक किस पर बेस्ड है वो यहाँ पर दिया गया है, यानी कुछ मोस्टली बुक्स का यहाँ पर रेफरेंसेस लिया गया है। तो यहाँ पर चैप्टर फिनिश हो जाता है। सेम पैटर्न हर एक चैप्टर में यूज किया गया है। चैप्टर में शुरुआत में ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या पढ़ने वाले दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर आप आगे चल के अजम्पशंस दिए गए हैं, और बीच बीच में आपको कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चंस है वो दिए गए हैं ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ सके। एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर दिए गए हैं छोटे छोटे। आगे चलेंगे तो आप देखेंगे मैथमेटिकल पोर्शन भी अच्छे समझाया गया और एग्जाम्पल की कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, उसके बाद सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलते हैं, और यही नहीं इसे संग के आपके हिंट और आंसर्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फिर आपके चैप्टर कॉन्सेप्ट क्विज देखने को मिलते हैं, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जैसे पहले चैप्टर में मैंने बताया था। लास्ट में आपको केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं, फिर आपके आपके यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाता है। तो यही पैटर्न पूरी बुक में यूज किया गया, काफी मोटी बुक है, काफी टाइम लेने वाली है आपका। इसके बाद लास्ट में आप पहुंचते हैं तो लास्ट में आपको कुछ अपेंडिक्स देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, कुछ मतलब बेसिक से जो टर्मिनोलॉजी है वो क्लियर हो जाती है, कुछ फॉर्मुलाज क्लियर हो जाते हैं, वो सब आपको लास्ट पे देखने को मिलता है। सिक्स्थ एडिशन है, लेटेस्ट एडिशन 2023 का। तो अगर रेटेड पर इसकी रेटिंग की मैं बात करूँ तो इसको मैं 5 में से 4 की रेटिंग दूंगा। देखो, एक रेटिंग कट करने का जो रीज़न है वो ये रीज़न है क्योंकि इसमें एक सिस्टमेटिक ढंग नहीं दिया गया है। कहीं कहीं पर टॉपिक के बाद में ही आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दे दिए गए, फिर अगले टॉपिक के बाद में अगले कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दे दिए गए, और किसी किसी चैप्टर में केवल लास्ट में ही क्वेश्चन दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि एक सिस्टम बिठाया गया है। दूसरी बात यह कि आपको इसमें से सिलेक्टेड पोर्शन ही पढ़ना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको सिलेबस आपके सामने होना चाहिए। जिस भी ब्रांच की आप स्टडी कर रहे हैं, जिस भी फील्ड की आप स्टडी कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की स्टडी कर रहे हैं, उसका सिलेबस आपके सामने होना चाहिए, तभी आप इससे स्टडी कर सकते हैं। इससे पहले मैं हीरा एंड गुप्ता की ऑपरेशन रिसर्च की बुक का ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट में वो वीडियो पढ़ी है, आप उसका रिव्यू भी जरूर देख लेना अगर आपको अच्छी लगे। और ये रिव्यू था आपका जेके शर्मा द्वारा लिखित ऑपरेशन रिसर्च का। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि इस प्रकार की बुक रिव्यू का वीडियो हम आपके लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।